गुड मार्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज़ बीरबल द वाइज पार्ट फोर इसमें हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर वन हु वाज सूर्य सिंह हु डिड ही मीट ऑन हिज वे सूर्य सिंह कौन था और उससे उस रास्ते पर कौन मिला था आंसर सूर्य सिंह वाज द प्रिंस ऑफ मणिपुर ही मेट इट ट्राइड ट्रेवलर ऑन हिज वे टू दिल्ली उसे एक थका हुआ और कमज़ोर ट्रैवलर वहाँ पर मिला था क्वेश्चन नंबर टू हाउ डिड सूर्य सिंह हेल्प द ट्रैवलर्स सूर्य सिंह ने ट्रैवलर की क्या मदद की थी सूर्य सिंह हेल्प हेल्प द ट्रैवलर्स बाई आस्किंग हेम टू राइड द हॉर्स एंड शो हिम द वे टू दिल्ली सिटी तो उसने उस आदमी को कहा था कि आप मुझे रास्ता दिखा मेरे घोड़े पर चढ़ो और मुझे रास्ता दिखाओ तो बच्चों आप अपनी नोटबुक पर ये आंसर्स लिखेंगे एक्सरसाइज नोटबुक पर और याद भी करेंगे पेज नंबर फिफ्टीन है अब पेज नंबर सिक्सटीन पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री वे डेड द टू मेन गो टू सेटल द डिस्प्यूट तो डिस्प्यूट होगी लड़ाई झगड़ा तो ये दो आदमी कहाँ गए थे अपना ये दो आदमी कहाँ गए थे अपना फैसला करवाने के लिए द टू मेन वेंट टू द जज टू सेटल द डिस्प्यूट बीरबल हर्ड देयर केस तो ये बीरबल के पास गए थे तो उन्होंने अपना केस वहाँ पर दर्ज किया था हाउ डिड बीरबल सेटल द डिस्प्यूट बीरबल ने उन उनके लड़ाई झगड़े को कैसे ख़त्म किया बीरबल सेटल द डिस्प्यूट ऑफ आस्किंग दिम टू रिकोगनाइज द हॉर्स इन द स्टेबल द ट्रैवलर्स गॉड कन्फ्यूज बट सूर्या सिंह क्लेम्ड हिज हॉर्स राइट तो उन्होंने उस उनका झगड़ा किस तरीके से ख़त्म किया था उन घोड़ों को वहाँ पर बांधा और उनके पीछा किया फिर उन उस ट्रैवलर ने उस घोड़े को नहीं पहचाना लेकिन सूर्या सिंह ने उस घोड़े को पहचान लिया अब ये बी पार्ट है हमारा कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन सेंटेंस को कम्प्लीट करना है पार्ट ए सूर्य सिंह वॉज काइंड बिकॉज ही ऑस्किड द मैन इसको कम्प्लीट क्या करना है उस आदमी को क्या कहा था टू राइड द हर्स एंड गाइड हिम टू द सिटी घोड़े पर चढ़ो और मुझे दिखाओ रास्ता बी पार्ट द ट्रेवलर वॉज डिसहोनेस्ट उसने क्यों बेईमानी की थी बिकॉज ही क्लेम टू द ऑनर्स ऑफ द हर्स एंड डिड नाट गेट डाउन फ्राम द हर्स उसने um, घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया था और कहता था कि ये घोड़ा मेरा है अब यहाँ पर लैंग्वेज वर्क है ए हार्स लिव इन स्टेबल एंड काउज लिव इन शेड ए कॉलम ए नेम्स ऑफ एनिमल्स आर गिवन मैच देम विद द प्लेस दे कॉलम बी तो हार्स कहाँ पर रहते हैं स्टेबल में काउज कहाँ पर रहते हैं शेड में तो नीचे यहाँ पर दिए गए हैं वर्ड्स। तो ये मैच करने हैं कौन सा एनिमल्स किस जगह पर रहता है कॉलम ए में हर्स कहाँ पर रहता है शाबाश बच्चों इसके साथ ये रखना है स्टेबल कहाँ पर स्टेबल मैंने लिखा है नंबर वन स्टेबल लाइन कहाँ पर रहते हैं शाबाश डिन टू और चिकन कहाँ पर रहते हैं शाबाश कूप ये मैंने लिखा है नंबर थ्री बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं शाबाश नेस्ट फोर मैंने यहाँ पर लिखा है ये आप इसके साथ मैच करेंगे और काओ कहाँ पर रहती है शेड रैबिट कहाँ पर रहते हैं शाबाश बारो स्पाइडर कहाँ पर रहते हैं वेब और बी कहाँ पर रहते हैं ह्यो फिश कहाँ पर रहते हैं वाटर ओवल कहाँ पर रहते हैं ट्री तो ये आप इनके साथ मैच करेंगे यहाँ पर मैंने इनको नंबरिंग भी की है हॉर्स के साथ नंबर वन ये आएगा नंबर टू इसके साथ ऐसे आप इनके साथ क्या करेंगे मैच करेंगे बस आज के लिए इतनी काफ़ी है वसलम